नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए ये खबर। खिलेड़ी सेवा सहकारी समिति में दो केंद्र बनाए गए, क्रमांक एक क्रमांक दो, जिसमें नौ गांव के किसानों की केंद्र पर उपज खरीदी जाएगी। खिलेड़ी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि खरीदी केंद्र के पहले दिन एहतियात के तौर पर अभी दोनों केंद्रों पर छह छह किसानों को उपज बेचने के लिए जिले में मैसेज भेज दिए गए हैं। वे ही किसान ट्रॉली में उपज लेकर आए हैं, इसलिए किया गया पूरे भारत में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस बीमारी की गंभीरता को लेते हुए सभी केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था को लेकर ये सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। एक दो दिन 10 और 12 किसानों को मैसेज आ रहे हैं। वहीं किसान उपज लेकर समर्थन मूल्य केंद्र पर अपनी उपज लेकर आ रहे थे, मगर रविवार को केंद्र के 40 किसानों को एक साथ मैसेज भेज दिए गए। वे सोमवार को 60 SMS किसानों को भेज दिए गए, जिसमें किसान अपनी उपज लेकर समर्थन मूल्य केंद्र पर जमा हो गए। संस्था द्वारा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए। खरीदी शुरू होने से पहले केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सुरक्षा के इंतजाम जुटा लिए गए थे। गोले लगाने से लेकर हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। सभी को हिदायत दी है कि मास्क, रुमाल, गमछा आदि का इस्तेमाल करें, मगर एक साथ अधिक मात्रा में SMS भेजने की वजह से केंद्रों पर भारी भीड़ जमा हो रही है। शासन के द्वारा समर्थन मूल्य की खरीदी के पहले कई नियमों का उल्लेख किया गया था। जिले की संस्थाओं को भी निर्देश दिए गए थे। खिलेड़ी से राहुल बैराग की रिपोर्ट। एक मिनट। कितने दिन से यहाँ पे हो? कितने दिन से यहाँ पे हो? 2 दिन से। इतनी भीड़ क्यों हो रही है? नंबर एक साथ आता मैसेज। अच्छा, आज कितने मैसेज आए? आज का तो पता नहीं, कल 60 मैसेज आ गए थे। 30 मतलब बड़े कास्तकार के ज्यादा मैसेज आ गए। अच्छा, आप कहाँ से हो? टकराऊ दास। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। समर्थन मूल्य केंद्र पर इतनी भीड़ क्यों लग रही है? एक साथ SMS छोड़ने के कारण, 4-5 को छोड़ना चाहिए, ये सरकार की गलती है। लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है यहाँ पे? नहीं किया जा रहा है, सरकार ही तोड़ रही है।